नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने कविता सुनी थी प्रतिज्ञा। हम हर साल नई प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उस पे अमल करने के लिए भगवान से शक्ति भी तो लेनी चाहिए ना। तो ये शक्ति कैसे ले, हमने पिछले एपिसोड में भी सुना था और आज भी सुनेंगे सीता गुप्ता जी से। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आपका आनंद पूर्वक स्वागत। हमने पिछले बार हम जब मिले थे तो प्रतिज्ञा के बारे में हमने बात की थी इस कविता के अनुसार, और आज भी हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। इस कविता का जो अगला छंद है जिसमें आपने कहा है, मन से आज विदाई देते सड़ी गली सारी बातों को, उगते सूरज की रोशनी ले ले भूले अंधी काली रातों को। वाह क्या बात है। बस उपकारों को याद रखे, बस उपकारों को याद रखे, दिल से मिटा दे छल को घावों को, बने तपस्वी बने मनस्वी भर ले शक्ति से हाथों को। तुम सदा विजयी हो सदा रहोगे, तुम सदा विजयी हो सदा रहोगे, प्रभु अपने साथ जान ले नए वर्ष के प्रथम प्रहर में। कितना खूबसूरत आपने लिखा है। मैं कोई प्रश्न पूछूं इससे पहले, मैं आपसे ये विनंती करूंगी, पिछली बार जैसे आपने खूबसूरत तरीके से गा के हमें सुनाया था, वैसा कुछ सुना दीजिए ना इस छंद को। मन से आज विदाई दे दे सड़ी गली सारी बातों को, उगते सूरज की रोशनी में भूल जे अंधी काली रातों को। वाह। बस उपकार याद रहे मुझे, दिल से मिटा दे छल को घातों को। बहुत खूब। बने तपस्वी बने मनस्वी भर ले शक्ति से हाथों को। मन से आज विदाई दे दे सड़ी गली सारी बातों को। दिन भर में बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे साथ हो जाते हैं, कभी अपने द्वारा कभी दूसरों के द्वारा। उसमें कुछ अच्छा भी होता है कुछ खराब भी होता है, तो अच्छों को चुन लीजिए ना, बाकी को भुला दीजिए। माफ़ी चाहूँगी लेकिन एक बात आपसे पूछती हूँ, ये आपने कहा लेकिन हमेशा ऐसा होता है जो अच्छा नहीं है वही याद रहता है, अच्छे ही भूल जाते हैं, तो क्या करें? क्योंकि कांटा चुभता है तो लगा रह जाता है, क्या करें। फूल थोड़ी देर में मुरझा जाता है तो किनारे रख देते हैं। ये कविता की भाषा में आपने कहा, लेकिन आप कुछ ऐसा कह दीजिए कि हम क्या करें ऐसा करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है ये। तो बहुत बड़ी परीक्षा है तो बहुत बड़ा आंसर भी तो है। हाँ तो सुना दीजिए। मान लीजिए आपने एक बुके रखा हुआ है कमरे में, तो अगले दिन क्या करेंगे अगर आपको उसको उसी दिन दूसरे दिन भी सजाना है? उस गुलदस्ते को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उसमें से फूल मुरझा न जाए। बहुत अच्छी, कुछ प्लास्टिक कवर या कुछ। प्लास्टिक कवर करेंगे तो हवा ही नहीं मिलेगी, फिर तो और जल्दी मुरझाएगा। लेकिन आजकल ऐसे प्लास्टिक कवर में रखते हैं तो, या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। अरे सजाना तो आपको मेज पे है, फ्रिज में रखेंगे तो किसको? नहीं नहीं मुरझा न जाए इसलिए ऐसा आपने कहा। लेकिन मुझे तो मेज पर चाहिए। अच्छा अच्छा। आपके कमरे की सज्जा कब बढ़ेगी, जब मेज पर होगा या फ्रिज में होगा? मेज पे। तो मेज पर तो उसको हवा भी चाहिए। बिल्कुल। तो सिंपल है, उसमें से जितने फूल मुरझा गए हैं उनको हटा दीजिए। अच्छा अच्छा, फिर तो वो लगेगा जैसा है वैसा खूबसूरत लगेगा। तो यही मैंने कविता में कहा ना, सड़ी गली सारी बातों को भुला दीजिए। अच्छा अच्छा। तो जिन दिन भर में कुछ अच्छा हुआ कुछ खराब हुआ, जो खराब हुआ है उसको भूल जाइए। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर कार्य अभ्यास से ही सफल होता है। हाँ, आपने ये अभ्यास कैसे किया? इसी तरह
अच्छा, शाम लेकिन को जब मैं बैठती हूँ तो सोचती हूँ आज किस किस के साथ मेरी क्या क्या वार्तालाप हुई, जितनी याद आती है उसमें से सोचती हूँ अच्छा इसे इसको हटा दिया जाए, अच्छा जो सुखकारी है उसको रख लिया जाए। लेकिन मतलब हमें मन की ऐसे फाइल्स बनानी होगी, और ऐसी एक फाइल की जिसमें सब अच्छे लोगों के ही कागज पत्र उसमें हो, ऐसे कागज पत्र जो है। मोबाइल यूज़ करते हैं आप बिल्कुल तो उसमें एक सेव भी होता है, एक डिलीट भी होता है, हाँ तो सेव कर लेते हैं ना अच्छी बातों को, अच्छी यादगारों को, और व्यर्थ बातों को डिलीट कर देते हैं। तो मन में से भी ऐसे करिए। चलना पड़ेगा, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारी है उसका इस्तेमाल इसके लिए करना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। जी वैसे ही आपने कहा है, उपकारों को याद रखें, दिल से मिटा दे छल को, घावों को। ये घाव तो बहुत गहरे होते हैं, इसे बुझने में बहुत समय लेते हैं, तो क्या करें? बस उपकारों को याद रखें, दिल से मिटा दे छल को घातों को, बने तपस्वी बने मनस्वी, भर ले शक्ति से हाथों को। दर्शकों हाथिया प्रतीक है, मन के अंदर मेरे अगर शक्ति है तो उपकार को याद रखना और छल को भूल जाना सरल होगा। अच्छा, लेकिन इससे इससे पहले भी आपने कहा है, उगते सूरज की रोशनी ले, भूले आंधी काली रातों को। उगते सूरज की रोशनी ले, भूले अंधी काली रातों को, ये क्या उगते है? सूरज की रोशनी ले ली, भूले अंधी काली रातों को। रात में और दिन में क्या सबसे बड़ा अंतर है? दिन में आपको स्पष्ट दिखाई देता है सब कुछ, तो जीवन को उगता सूरज बना लीजिए ना। दिन में आप सब कुछ जैसे स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे अपने में दिन भर के कार्यों को स्पष्टता से देख सकूं। भूले अंधी काली रातों को, अंधकार में जो भटकने का डर होता है, जो ठोकर खाने का डर होता है, उनको मिटा दीजिए ना। अंधकार कैसे मिटा दे? छोटा सा दिया भी जलाया तो अंधकार मिट जाता है। तो आप दीपक जला लीजिए ना ज्ञान का। अच्छा, लेकिन ये ज्ञान का दीपक जो है उसे जलाए कैसे? कौन से ज्ञान का दीपक आप कहना चाहती है? जो अभी तक मैंने कर्म किए हैं उनकी जानकारी तो मेरे पास है ना, किस कर्म से मुझे लाभ हुआ, किस कर्म से मुझे हानि हुई। तो दीपक जलाना अर्थ क्या? मेरे को दिशा दिखाता है ना दीपक। तो आप भी सोचिए, मुझे इस कर्म से लाभ हुआ था तो मुझे इसी को आगे भी करते जाना है, इस कर्म से हानि हुई तो इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, तो ये उगते सूरज की रोशनी ने भूले अंधी काली रातों को, ये आपने मतलब ये प्रतीक जो लिए हैं वो इंसान के लिए लिए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जो अच्छे प्यारी बातें हैं उन्हें याद रखना है, और जो गलत बातें हुई हैं हमारे साथ उन्हें भूल जाना है। जी और तुम सदा विजयी हो, सदा रहोगे प्रभु के साथ, जान ले। क्या यह एहसास हमेशा रह सकता है कि हम विजयी थे और रहेंगे? क्योंकि जिंदगी में हमेशा मुझे विजय तो प्राप्त नहीं हुआ है, कई बार ठोकरें भी खाई हैं, कई बार पराजय भी तो हुआ है, तो ऐसा कैसे समझे और ऐसा कैसे याद रखे? विजय का पद बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो विजय में उस प्रकार भी अपने को मान सकती हूँ। मान ले मुझे जितनी चाहिए सफलता नहीं मिली, हाँ दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। जी कहते तो थे हम 100% लाएंगे, कहते तो हमने इस बार CA का एग्जाम पूरा क्लियर कर लेंगे, रह तो गए। हो सकता है परिस्थिति वश रह गए, हो सकता है उस दिन आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है उस समय आप उस दिन आपके पास इतना बोझ हो कार्य का कि जितनी तैयारी आप करना चाहते थे नहीं कर पाए। हाँ, अच्छा, उस समय विजय उसको मानिए कि मैंने प्रयास तो पूरा किया था, बेशक मन चाहे सफलता नहीं मिली, मैं फिर प्रयास करूंगी।
छोटी सी चींटी को देखिए आप, चढ़ती है, उसको पता है अभी मौसम बरसात का आने वाला है, तो चीनी का एक एक दाना लेकर चलती जाती है, एक एक दाना, क्योंकि उसे पता है मैं पूरा भार नहीं उठा सकती। फिर अपने बिल में रखी आती है, फिर ले जाती है। बिल्कुल सही कहा, तो प्रभु लेकिन कहते हैं कि मेरे इतनी छोटी जो कृति है, अगर वो अपने जीवन के लिए संवार सकती है, वस्तुएं इकट्ठी कर सकती है, तो आप तो मानव हो। जितनी बुद्धि मानव के पास है, किसी प्राणी के पास नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार हम देखते हैं हम इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जी जान लगा कर पूरी, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती, तो हम क्या करें? जरूरी नहीं है ना अपेक्षित चीज मुझे हमेशा ही मिल जाएगी। जी क्या जी पहले प्रयास में लोग एवरेस्ट पर चढ़ गए थे? क्या हाँ, वो भी तो सही है पहले प्रयास में एडिशन ने बल्ब का निर्माण कर लिया था? जी, ये बात बराबर है स्पेस में जाने वाले क्या पहले प्रयास में पहुंच गए थे? तो ये बात तो सही है इसलिए हम बार बार प्रयास करें, इस बार नहीं तो अगली बार। बस आत्मविश्वास को ना जाने दीजिए, जिसको मैंने आत्मविश्वास के साथ आपने ये भी तो कहा है कि प्रभु अपने साथ है, ये एहसास कैसे बरकरार रखे? वो तो हम कविता के शुरू में भी बातचीत कर चुके ना उस पे, कि प्रभु को हमेशा अपने साथ मान लीजिए। अंदर अंदर मेरे साथ मेरा प्रभु चल रहा है, ऐसे अपने अंदर जान लीजिए। अच्छा, तो एक बार आप ये विश्वास अपने अंदर जगा लेंगे ना, हाँ देखिए पहले कोई भी जो कार्य होता है ना, उसका लिंक क्या होता है? पहले हमारे मन के अंदर विचार आता है, जी, फिर बुद्धि निर्णय करती है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, फिर हम उस दिशा में चल पड़ते हैं। हाँ, तो जी ऐसे ही पहले मेरे अंदर विचार आया कि मुझे ये कार्य करना है, बिल्कुल उसके बाद मैंने अपनी क्षमता को आंका कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, या इतना कर सकती हूँ, या इतना कर सकती हूँ, या पूरा कर सकती हूँ। जी फिर मेरी क्षमता अगर इतना करने की है, तो पहले मैं अपना लक्ष्य उतना ही रखूं, अच्छा और उतना पाने के बाद फिर दूसरा लक्ष्य कल के लिए तैयार कर लूं कि कल मुझे इतना और करना है। मान जी लीजिए बच्चे को पेपर देना है, 4 दिन बाद उसका पेपर है, हाँ तो वो निर्धारित करता है ना, मुझे इतना कोर्स आज रिपीट कर लेना है, इतना कोर्स कल करना है, इतना परसों करना है, और एक दिन मैं बचा लूंगा रिवीजन करने के लिए। ऐसे ही हम जीवन में कर लें। जीवन के लिए भी कितना अभ्यास, कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके सिवा सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा शिक्षक जीवन ही है। बिल्कुल सही कहा वो आपने, किताबों की शिक्षा हमको तब तक सफल नहीं कर सकती जब तक जीवन में ना आए। क्या तो खूब समय कहा, सबसे बड़ा शिक्षक है, जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है। क्या खूब कहा। और आगे का जो छंद है उसमें आपने वही लिखा है, अच्छी शिक्षा दो दिशा दो, अच्छी शिक्षा दो दिशा दो, सुखी बने समाज बनाए, सुखी बने और समाज बनाए, भाषा गणित विज्ञान विज्ञान के साथ जो इतिहास के नायक के गीत सुनाए, वो जुझारू प्रताप और पोरस, वो जुझारू प्रताप और पोरस से वीर, सुख शांति के संवाहक गौतम और महावीर। क्या खूब कहा है आपने, अच्छी शिक्षा दो। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का वास्ता संस्कार से है और संस्कार का शिक्षा से, तो आपको क्या लगता है, शिक्षा से संस्कार निर्माण होते हैं या संस्कार से शिक्षा? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी शिक्षा अच्छी मिलेगी तो संस्कार अच्छे आएंगे, जी बिल्कुल संस्कार अच्छे होंगे तो शिक्षा को हम पूरी गुणवत्ता के साथ धारण करेंगे। जी, लेकिन हम दोनों का बैलेंस कैसा करें? आप देखिए पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, जी चाहे राजा दशरथ के पुत्र राम हो, चाहे कृष्ण हो, कृष्ण सब बलराम, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुकुल में उनको प्रत्येक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जी, शारीरिक भी, मानसिक भी, सब धार्मिक भी, सब प्रकार की। कलाएं भी सिखाई जाती थी। हाँ वही कला माने वही ना, हाँ सब प्रकार की शिक्षा। कोई ये भेदभाव नहीं किया जाता था, ये राजकुमार है तो लकड़ियां तोड़ के कैसे लाएगा,
ये राजकुमार है तो पाटे पे बैठ के कैसे पढ़ेगा। तो स्थिति का, समय का, धन का तब कोई भेदभाव नहीं था। नहीं था। अभी की शिक्षा में क्या हो गया है, आधे बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं जिनके पास माता पिता के पास धन है, साधन है, जी जिनके पास नहीं है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा में हमने इतना बड़ा भेदभाव कर दिया। तो शिक्षा में भेदभाव है इसलिए संस्कारों की भी कमी आ गई। सो तो है, लेकिन ये भेदभाव मतलब हम नष्ट कैसा कर सकते हैं? क्योंकि कैसा है, आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सब चीज़ों के लिए इतना पैसा लगता है। जब बहुत ही बड़ा उच्च शिक्षण किसी को देना है तो उसके लिए पैसा भी बहुत लगता है, और जिसके पास उतना पैसा नहीं वो किसी बड़े स्कूल में तो नहीं जा सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में देखिए, मैंने जो लिखा, अच्छी शिक्षा दो, सुखी बने और समाज को बनाए, भाषा गणित विज्ञान के साथ इतिहासों के नायक की कथा सुनाए, वो जुझारू प्रताप, वो पोरस से वीर, सुख शांति के संवाहक गौतम और वह महावीर। अच्छी शिक्षा दो, सच्ची शिक्षा दो। शिक्षा हमारी वास्तविक होनी चाहिए, सुखी बने समाज। अगर सभी शिक्षक शिक्षक गण अपना पूरा कर्तव्य निभाएं। आज क्या होता है, बच्चे बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं फिर भी हर एक को ट्यूशन क्यों लगानी पड़ती है। हम तो बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हमारे माता पिता को तो कभी ट्यूशन नहीं लगानी पड़ी। माफी चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शायद लगता होगा कि हमारा बच्चा अव्वल आए, उसे बहुत कुछ, उसे मतलब पढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना हो, उसे बहुत सारे नंबर्स प्राप्त हो, ऐसा लगता होगा, इसलिए वो ट्यूशन्स को भेजते हैं। लेकिन आपको क्या लगता, ऐसा लगता है कि स्कूल में जाके ही सिर्फ बच्चे सब कुछ पढ़ सकते हैं? स्कूल तो आधा दिन रहते हैं बच्चे, हाँ बाकी आधा दिन तो घर में रहते हैं, जी, तो स्कूल जितनी शिक्षा ही घर से भी मिलती है उनको। वो तो है, वो तो है। तो घर में जब वो रहते हैं तब माता पिता शिक्षक हैं, जो घर में और बुजुर्ग लोग रहते हैं वो शिक्षक हैं, जी जो वातावरण है जो उनको मिलता है सब वो भी शिक्षक है। जी, तो सही अगर हम कहा। छोटे छोटे संस्कार बचपन से उनमें डाल दें तो वो शिक्षा उनके जीवन पर्यंत काम आएगी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात क्योंकि है। जो संस्कार 5 वर्ष की आयु तक पक्के हो जाते हैं वो जीवन भर रहते हैं। आप बिल्कुल देखिए, सही। पके पेड़ को आप शेप नहीं दे सकते हैं, लेकिन कच्ची डाली को मोड़कर जैसा चाहे कर सकते हैं। तो सही। बच्चों के कोमल मन पर जो हम लिख देंगे, विचारों से, करके दिखाने से, चित्रों से, किताबों से, सब उनके जीवन में अंकित हो जाएगा और वो जीवन पर्यंत चलेगा। क्या खूब कहा। और इसमें आपने ये भी तो कहा है कि इतिहास के नायकों के गीत सुनाएं, ये कितना अच्छा आपने उपाय बताया कि इतिहास के नायकों के गीत उनको सुना के हम उनके ऊपर संस्कार कर सकते हैं। आप कोई उदाहरण दे सकते हो इतिहास के नायकों के गीत या उनकी कथाएं, उनकी कहानियां, मतलब हम उन्हें कैसी कहानियां सुनाएं? इतिहास के नायकों में हमारे जो आज के जीवंत हमारे पास नायक हैं, अभी 2 अक्टूबर गया, महात्मा गांधी जी की कथा तो आपने सुनी होगी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, राजा हरिश्चंद्र, जी उसने जीवन पर मेरे इतनी पक्की छाप छोड़ी कि मैंने सदा सत्य बोलने का प्रण ले लिया। जी और जाते समय उनकी माता ने उनसे वचन लिया था कि आप 2 चीजों से दूर रहना, मांसाहार और मदिरापान से और असत्य बोलने से। क्या उसी ने उनको मोहनदास से महात्मा गांधी नहीं बना दिया? क्या बात क्या है। उनके पास लंदन में वो प्रलोभन नहीं आए होंगे कि वो बैठकर मांसाहार करें या मदिरापान करें? तो हमारे पास तो इतने सारे नायक हैं, बस हमें पढ़ाने की जरूरत है। वो जुझारू प्रताप, वो पोरस से वीर,
अगर हम उनकी कहानियां सुनाएं तो बच्चों के मन में क्या वो प्रभावित नहीं होगा? ये आपने सही कहा, लेकिन आपने जैसे कहा कि राजा हरिश्चंद्र का वो जो पिक्चर था वो देख के वो प्रभावित हो गए, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब देखना या ये सब सुनना पसंद ही नहीं करते, तो हम क्या करें? बच्चों की पसंद कहाँ से विकसित हुई? कि मतलब बचपन से या फिर परिवार से? तो परिवार में कौन है बड़ा? माता पिता, गुरु, शिक्षक? अगर वही वो वाले सीरियल देख रहे हैं तो बच्चों का क्या दोष है? जी 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 सही कहा आपने, लेकिन आजकल के बच्चों ने अगर हरिश्चंद्र राजा की कहानी सुनी तो क्या वो उसको सही मानेंगे या फिर उसके ऊपर विश्वास करेंगे? आपको क्या करेंगे लगता है? अगर घर के माता पिता का आचरण भी वही वैसा ही होगा। अच्छा, आप देखिए, आप के घर में जब माता पिता होते हैं, मान लीजिए पति का कोई मित्र आया या किसी ने से उन्होंने पैसा लिया हुआ है, वो लौटाने आए, तो पिता खुद ही बच्चे को क्या कह देता है? कह दो पिताजी घर में नहीं है। तो फिर हरिश्चंद्र की कहानी उसको कैसे प्रभावित करेगी? सोचेगा पिताजी तो इतनी सी बात के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो ये भी तो कर सकते हैं कि अपने मित्र को बिठाकर कह दें कि अभी मेरे पास पैसे का प्रबंध नहीं है, आप मेरे को इतना समय और दे दीजिए। तो जी, बच्चे पे दो असर पड़ेंगे, सच बोलना जो उसने देखा था वो उसको सच्चा लगेगा, दूसरा कि पिता में इतनी कहने की शक्ति है कि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। स्पष्टवादिता उसके जीवन में नहीं आ जाएगी? उसमें भी वो शक्ति आ जाएगी, जरूर आएगी, क्यों ना आएगी। और आपने प्रताप राणा के, महाराणा प्रताप के बारे में भी इसमें लिखा है। ऐसी कथाएं बच्चों को सुनानी चाहिए जो उनको वो संस्कार मिले, देशभक्ति के संस्कार। तो आपने इन वीरों का चरित्र का जो उल्लेख किया है, तो आपने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी थी, वीरों की कहानियां सुनी थी? सुनी थी हमारी माँ को, मैंने अच्छा कहा ना थोड़ी देर पहले कि शिक्षा उनके पास इतनी नहीं थी, लेकिन उनको ज्ञान बहुत था। अच्छा तो महाराणा प्रताप की कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया? महाराणा प्रताप की कहानी में क्या है, अंत समय जब वो हार गए, सारा राज्य उनका चला गया, तो उन्होंने घास की रोटी खाई, ये तो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है, घास की रोटी खाई, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। बिल्कुल अर्थ क्या है कि अगर मुझे पराधीनता स्वीकार नहीं करनी, तो मेरे पास राजा होने के बावजूद वो शान भी आ सकते हैं जो हम घास की रोटी खाएं। तो क्या बात कितना है। बड़ा त्याग है, एक राजा उसको घास की रोटी, उसको और उसके बच्चों को मिले। तो बिल्कुल सही कहा आपने। त्याग में से ही भाग्य मिलता है। तो महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं ना, कोई जयचंद को याद करता है जो जाके राज्य के लिए मीरजा मोहम्मद गौरी से मिल गया? कोई मीर जाफर को याद करता है? बिल्कुल तो सही कहा। महाराणा प्रताप की हम कथा सुनाएं, हम पोरस की कथा सुनाएं। पोरस की कथा तो आपको याद होगी, जी जब जी सिकंदर ने उससे कहा कि एक राजा दूसरे तुम्हारे साथ में क्या व्यवहार करूं, कितना आत्मविश्वास था, उसने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। जी क्या बात है, क्या बात तो है। ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? बचपन से उसके माता पिता के द्वारा दिया गया, उसके गुरुकुल की शिक्षा के द्वारा गया। तो यही मैं कहती हूँ कि बच्चों को हम कहानियां सुनाएं, कौन सी? वो जुझारू प्रताप, वो पोरस से वीर, सुख शांति के संवाहक गौतम और महावीर, ये सृजन करेंगे देश प्रेम का, वो हरेंगे सबकी मन की पीर। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, पोरस, ये सब वीरों के प्रतीक हैं। ये सृजन करेंगे देश प्रेम का, क्योंकि देश प्रेम के लिए हमको वीरता चाहिए। और गौतम और महावीर, वो हरेंगे सबकी मन की पीर, जिन्होंने शांति का संदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया, वो हमारे मन की पीर हरेंगे। तो क्या होगा, मन जब सुख शांति से भरा होता है तब हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है। इसलिए मैंने लिखा, सुखमय संसार बनाने का यही सच्चा मार्ग जान ले,
क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए तन में बल और मन में संबल दोनों की आवश्यकता है। तन में बल भोजन से मिलेगा और मन में बल मेरे वीरों की कहानियों से मिलेगा। क्या बात है, जो कि शिक्षा प्रद कहानियां है। और मन के अंदर शांति होगी तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। इसलिए मैंने लिखा, वो सुख शांति के संवाहक गौतम और महावीर ये सृजन करेंगे देश प्रेम का, वो हरेंगे दुखते मन की पीर, सुख में संसार बनाने का यही है सच्चा मार्ग, जान लीजिए। मनो में शांति होगी तो हमारे वातावरण में शांति होगी, शांति होगी तो देश समृद्ध की तरफ जाएगा। क्या बात है सीता जी, उन वीरों की जो झलक है वो आपकी वाणी में हमें दिखाई दी कि उन वीरों के प्रति आपके मन में कितना आदर भाव है। अगर सचमुच हम जीवन में ये प्रतिज्ञा करें कि हमें भी जीवन में कुछ अच्छा करना है और इन सब वीरों का, इन सब महात्माओं का आदर्श अपने जीवन में रखना है, तो हम सचमुच ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, फिर भी एक छंद बाकी है इस कविता का। कोई बात नहीं, हम अगली बार जब मिलेंगे तो वो एक छंद देखेंगे और भी आपकी कविताएं देखेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में भी हमने जाना प्रतिज्ञा इस कविता के बारे में। जिंदगी में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अच्छी प्रतिज्ञाएं करनी है और उसके ऊपर अमल भी करना है। प्रतिज्ञा तो हर कोई करता है, जो अमल करें वही बड़ा। तो इस कविता का और भी एक प्यारा सा छंद है, हम आगे के एपिसोड में जब मिलेंगे तब उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार।